Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, aaj hum class 9 ke chapter number 1 ko discuss karte hain aur iski exercise humne padhni hai aaj 1.4 aur iske andar jo topic discuss hoga wo hoga multiplication of matrices. Suppose aapke paas ek matrix A hai 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 है. क्या हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं? तो इस बात का आंसर हमें इसकी डेफिनेशन देगी कि दो मैट्रिसेस ए बी अगर हों तो उनका प्रोडक्ट ए बी उस वक्त पॉसिबल है, ए और बी का प्रोडक्ट ए बी उस वक्त पॉसिबल है जब ए के कॉलम और बी की रोज, नंबर ऑफ रोज, ए के कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. दो कॉलमों की जरूरत ए बी उस वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास ए के कॉलम की तादाद बराबर हो बी के कॉलम की तादाद के. टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. स्टूडेंट्स देखते हैं क्या ये डेफिनेशन इस पर फिट आती है या नहीं. ए के कॉलम देखने हैं, ए के कॉलम कितने हैं? दो. और बी की रोज देखनी है, बी की रो हमारे पास एक है. इसका मतलब इसमें ए बी इज नॉट पॉसिबल. इन दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए के कॉलम दो हैं, बी में कतार एक है, प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं. ए में हमारे पास 1 2 है और बी में हमारे पास 3 4 है. क्या ए बी पॉसिबल है? क्या ए और बी का प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है या नहीं है? देखते हैं. ए में कॉलम कितने हैं? एक. बी में रोज कितनी है? एक. ए के कॉलम की तादाद और बी के रोज की तादाद आपस में इक्वल है. इसका मतलब इस केस में ए बी जो है वो पॉसिबल है. ए बी जो इनका प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है. सपोज एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है -5 1 3 6. क्या अब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है? जी देखें, ए के कॉलम कितने हैं? दो. और बी की रोज कितनी है? दो. इट मींस ए के कॉलम और बी की रोज की तादाद आपस में इक्वल है. इस केस में भी ए बी क्या है? पॉसिबल है. ए बी पॉसिबल है. जी स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसमें है 1 5 और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें है हमारे पास 3 4. क्या अब ए बी पॉसिबल है या नहीं है? आप देखें, ए के कॉलम कितने हैं? दो. बी की रोज कितनी है? दो. इस केस में भी ए बी क्या है? इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है. क्लियर? और ये जरूरी नहीं है कि अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल होगा. आप इसी की मिसाल ले लें. इस तरह की एक मिसाल ले लेते हैं हम. ए हमारे पास है 1 5, बी में है 3 4. बी ए निकालना हो तो पहले बी की रकम आएगी, उसके बाद ए की रकम आएगी. क्या अब बी ए पॉसिबल है? जी इस केस में ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है क्योंकि बी में कॉलम एक, ए की रोज भी एक है. बी ए भी पॉसिबल है. जी अब आप देखें, इसमें बी ए में
लाजमी है कि जो भी अरेंजमेंट आपके पास है, अगर ए भी है तो पहले ए लिखा होगा, ए की कॉलम देखने, बी की रोज देखने है। अगर बी लिखा होगा तो बी के कॉलम देखने, ए की रोज देखनी है। मीन जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके कॉलम देखने हैं और दूसरे की रोज देखनी है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है। ये उस वक्त पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद के बराबर होगी। एक एग्जांपल करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है तो उनका प्रोडक्ट होगा कैसे, प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 5, 6, 7, 8। आपको वो समझाने के लिए एक मिसाल ली है। ए में हमारे पास 1, 2, 3, 4, बी में 5, 6, 7, 8 है, दो मैट्रिक्स हैं, हमें इनका प्रोडक्ट ए भी चाहिए। तो पहले ए की रकम लिखी जाएगी 1, 2, 3, 4, इसके बाद बी की रकम लिखी जाएगी 5, 6, 7, 8। जी ये शर्त पूरी होती है कि ए के कॉलम और बी के रोज की तादाद इक्वल है, मीन प्रोडक्ट हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि होगी कैसे, तो उसके लिए आपने पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेनी है, उसको बारी बारी इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, अगर तीसरा कॉलम भी लिख दिया जाए। जी सपोज हम यहाँ पर 1, 2 लिख देते हैं, क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगी? जी होगी, बिकॉज ए के कॉलम 2, बी की कतारें तो 2 ही है ना, इट मींस इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। हमने जो लिखा हुआ था वो था हमारे पास ये मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ इस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा फार्मूले का, एंड सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस रो में इस कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन या जरूरत इसकी हो चुकी है। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और नेक्स्ट लिखेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट 7 के साथ और सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जी स्टूडेंट्स, अब इस रो में दोनों कॉलम से जरूरत खाली है। इसके बाद अब हम सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखा जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3। अब बारी बारी पहले पहले के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट 5 के साथ, प्लस फार्मूले का रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। सेम 3 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करें 5 + 12 + 15 + 24 + 7 + 16 + 21 + 32 ऐड कर दें 17 39 23 and 53। दिस इज द product of these two matrices A and B. Now exercise start करते हैं। Exercise 1.4. Question number 1. इस question के अंदर हमने क्या करना है? हमने इस question के अंदर सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से जो पेयर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। मीन के अगर दो मैट्रिसेस आपको दे दिए गए हैं तो आपने सिर्फ ये बताना है कि इन दो का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं है। टुडे
It is enough now that we will start this session tomorrow. Allah Hafiz.